कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, एक सुहाना सफर। जब हम चलते हैं एक सफर में तो मालूम नहीं होता कि रास्ते में कौन कौन मिलेंगे। कुछ अजनबी मिलते हैं, उनसे दोस्ती होती है, फिर वो अपने हो जाते हैं। ये इतना अच्छा सुहाना सफर था जो अचानक आज थम गया। अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बोलूं मैं। इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी टीम, ऐसा लगता था जैसे कि हम एक परिवार के हो गए। वेट करते थे, इंतजार करते थे कि कल कितने बजे पहुंचना है। ऐसे में सनी आता था तो दुख हो जाता था, और जब यहां आते थे तो ऐसा लगता था कि अपने घर में आ गए। मैंने कम से कम 200 से ज्यादा फिल्में की हैं, तो पहले शो करने के पहले लोग मुझे मिश्रा जी के नाम से जानते थे, हाँ मेरा ही प्यार के। फिर मुझे वेलकम के नाम से जानने लगे, लेकिन ये शो करने के बाद मैं सबके लिए मामा हो गया था। मैं जहां भी जाता था बोलते मामा जी आ गए, शो के बारे में बात करते थे। इतने शो करने के बाद मुझे इस शो से जो मिला है वो बहुत ज्यादा है। यहां तक कि जब मैं वॉक करने जाता था तो मेरी उम्र की औरतें मुझे बोलती थी, मामा जी नमस्ते। तो मुझे खुशी भी होती थी और दुख भी होता था। खुशी इस बात की होती थी कि मैं एज ए मामा पॉपुलर हूं, मेरा शो बहुत पॉपुलर है, लेकिन दुख इस बात का होता था कि यार ये भी मामा जी बोल रही है, मेरी उम्र से ज्यादा वो भी मामा जी बोल रही है। तो जो फीडबैक मुझे मिला, जो रिस्पांस मुझे इसका मिला, जहां भी मैं गया हूं, जिस शहर में भी मैं गया हूं, लोगों ने इसको बहुत सराहा है। तो उम्मीद तो थी कि और भी आगे तक जाएंगे, और लेकिन ठीक है, जो चीज शुरू होती है उसका अंत भी होता ही है, इसका भी अंत होना था। और खुशी इस बात की है कि एक अच्छे मकाम पे आके अंत हुआ है। जिस तरह क्रिकेटर सेंचुरी बनाता और रिटायरमेंट लेता, उसी तरह मैं ये चाहता हूं, मैं समझता हूं कि ये शो का अंत हुआ है। ये कैमरे के पीछे के लोगों की बात जरूर मैं करूंगा, खासकर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ममता जी, यश पटनायक साहब, इन लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सहारा मिला, बहुत बूस्टअप मिला। उत्कर्ष बाली, जिन्होंने इस शो को आगे ले जाने में और माहौल को बहुत अच्छा खुशहाल बनाने में इतना सहयोग दिया। अविनाश जी जो कुछ दिन पहले छोड़ के चले गए, और हमारे पूरे टीम वर्क, मोहित जो जिसको हम प्यार से बहुत मोह भी करते थे और जिसने हमें बहुत प्यार दिया, इन सब की बहुत याद आएगी। सब पूरे स्टाफ यहाँ के इतना ख्याल रखते थे हमारा, हमारे मेकअप रूम से लेके हमारे मेकअप से हमारे ड्रेसमैन, सारे लोग, खासकर कलाकारों की बात ज़रूर करूँगा। इस शो ने मुझे वाकई अपनी एक बहन दी, सुप्रिया जी के रूप में, ईश्वरी के रूप में, इतना अच्छे भांजे और भांजियाँ, और अलका जी जिन्होंने मेरी बीवी का रोल किया है, हालांकि वो बहुत नकचुड़ी रहीं लेकिन इंसान बहुत अच्छी हैं। तो ये सबका साथ लेके हम लोग यहाँ तक आए, और खुशी मुझे इस बात की हमेशा रहेगी कि बहुत अच्छा शो किया, बहुत बेहतरीन शो रहा हमारा।